दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में हिस्सा लेने वाली देश की जनता को सर झुका के नमन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। आज चुनावों के परिणाम आ रहे हैं और लगभग तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। ये चुनाव कई प्रकार का संदेश दे रहे हैं। एक सबसे बड़ा संदेश इस चुनाव में दिया जा रहा है जनता के द्वारा कि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग दुखी हैं, परेशान हैं और वो इस सरकार को हटाना चाहते हैं। महंगाई से दुखी हैं, बेरोजगारी से दुखी हैं, तानाशाही से दुखी हैं। जिस तरह से इस चुनाव में धनबल का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से इस चुनाव में ईडी तंत्र का इस्तेमाल किया गया, सीबीआई के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, इनकम टैक्स के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, पुलिस के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, सारे विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया, हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सहित हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया, पूरे चुनाव को प्रभावित करने की एक गहरी साजिश रची गई। उसके बावजूद भारत के लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि देश की महान जनता ने कहा बीजेपी वापस जाओ। यह नारा है इस देश की जनता का। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए वोट दिया। भारत में आरक्षण की व्यवस्था जो दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के लिए है, उसको बचाने के लिए वोट किया। और अभी तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत होता हुआ नहीं दिख रहा है और पिछले बार की तुलना में लगभग 60 सीटें बीजेपी की कम हो रही हैं। अब जरा सी भी नैतिकता है भारत के प्रधानमंत्री में, जरा सी भी नैतिकता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 400 पार का नारा दिया था, 400 पार। लेकिन देश की जनता समझ गई कि ये 400 पार चाहिए संविधान को बदलने के लिए, ये 400 पार चाहिए आरक्षण को खत्म करने के लिए, ये 400 पार चाहिए अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। और इसलिए देश की जनता ने यह परिणाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा सबक है, लेकिन शायद वो सबक नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें तो झगड़ा करना है। यह चुनाव का परिणाम भारत के अंदर नफरत की राजनीति के भी खिलाफ है, तानाशाही की राजनीति के भी खिलाफ है। यह चुनाव का परिणाम इस बात का भी संकेत है कि नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनेगा। तो इसलिए मैं इस देश की महान जनता को बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने हिस्सा लिया और एग्जिट पोल के परिणाम को पूरी तरीके से आपने ध्वस्त किया और यह बताया कि हम लोकतंत्र के अंदर अपने मुद्दों के आधार पर वोट देंगे, पार्टियों का चयन करेंगे। किसी को भी इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि वो बिल्कुल हमेशा के लिए इस देश पे तानाशाही की अपनी हुकूमत चलाएंगे। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने जब से कहा कि उनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं है, वो अवतार हैं, भगवान से भी बढ़कर अपने आप को मानने लगे। उनकी पार्टी गाना गा रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इतना अहंकार हो गया कि भगवान श्री राम को लाने का दावा करने लगे, इतना अहंकार हो गया कि भगवान जगन्नाथ जी उनके भक्त हैं ऐसा दावा करने लगे। तो आज बजरंगबली का दिन है, मंगलवार का दिन है, और उनको एक संदेश, एक संकेत
भगवान ने, प्रभु श्री राम ने, बजरंग बली जी ने, इस देश की जनता ने दिया है, उससे कितना सबक लेते हैं नहीं मालूम, लेकिन वास्तव में ये भारत के लोकतंत्र की महान जनता है जो ये बताने के लिए मैदान में आई कि आप इस देश में तानाशाही की हुकूमत नहीं चला सकते। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी से कि वो अपनी बात रखें। जिस समय चुनाव का सातवां चरण समाप्त हुआ और एग्जिट पोल आए, सात चरणों के चुनाव में देश की जनता लगातार ये संदेश दे रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को खत्म करने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अपना जनादेश दे रही है। लेकिन जिस तरह से जनता के संदेश को जानते समझते हुए आखिरी समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने, देश की केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, पूरे मीडिया चैनल्स को जिस तरह से मैनेज किया गया और फर्जी एग्जिट पोल घोषित करके लोगों के साइकोलॉजिकल माइंड पर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि यह जनादेश उसके भी खिलाफ है। आम आदमी पार्टी ने, शायद इस देश के अंदर जितनी पार्टियां हैं, सबसे विपरीत परिस्थिति में हमने ये चुनाव लड़ा और हमें इस बात का भरोसा है, जिस तरह से दिख रहा है, कि पंजाब के अंदर से हमारे सांसदों की संख्या बढ़ने जा रही है सदन के अंदर, दिल्ली के अंदर भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के बाद पार्टी खत्म हो जाएगी, सभी लोग पूछते थे चुनाव कैसे लड़ोगे, प्रचार कौन करेगा, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने अपनी चट्टानी एकता के साथ मिलकर के दिल्ली में कड़ी टक्कर दी भारतीय जनता पार्टी को। और हमें जिस तरह का अभी दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर जो मार्जिन था भारतीय जनता पार्टी का, काफी बड़े पैमाने पर कम होने जा रहा है। मैं देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने भाजपा को हराया है, लेकिन भाजपा का अभी तानाशाही प्रवृत्ति, मनोवृत्ति अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को आगे लड़ना पड़ेगा। मैं देश के उन तमाम पार्टी के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं जो इस देश के संविधान में, इस देश के लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और इस देश के अंदर देश की जनता का जो जनादेश है उसे स्वीकार करते हुए इस तानाशाही को हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए आगे बढ़िए। मुझे भरोसा है कि जनता ने जो जनादेश दिया है देश की सभी पार्टियां सुनेगी, क्योंकि भाजपा के पास बहुमत नहीं है, भाजपा के पास बहुमत नहीं है, भाजपा के इतर जितनी पार्टियां हैं उन सबके पास बहुमत है। आज देश के अंदर अगर एनडीए गठबंधन में देखें दो मुख्य पार्टियां हैं, एक पार्टी है आंध्र प्रदेश से टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। 2019 में चंद्रबाबू नायडू वो नेता हैं जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में घूम करके लोगों को इकट्ठा किया। दूसरे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इस बार घूम करके देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाया। ये दोनों नेता हैं, देश के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए देश की जनता की जो आवाज है उसे सुनेंगे और देश में इस तानाशाही को खत्म करके एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, लोगों के बेरोजगारी और महंगाई की समस्या का समाधान करेंगे। यह देश जो उम्मीद कर रहा है, पूरे देश की हमें उम्मीद है कि जल्दी उसकी आकांक्षा पूरी हो। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, मैं समझता हूं आज पूरे देश की जनता, इस देश की जनता ने जो इस चुनाव में नतीजे दिए हैं वो
वो इस देश पर ही नहीं पूरे विश्व पर एक बहुत बड़ा असर करेगी। पूरा विश्व देख रहा था कि हिंदुस्तान में किस तरह से जनता संविधान को बदलने की जो कोशिश हो रही थी उसका किस तरह से जवाब देता है। और मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र में आस्था, भारत के लोकतंत्र में आस्था इन चुनावों के बाद बहुत बढ़ेगी। और जैसा भी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसा भी गोपाल जी ने कहा कि देश की जनता अब सभी पार्टियों से, भाजपा के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, उन सब से ये उम्मीद करती है कि वो देश के हित में, देश के लोकतंत्र के हित में, देश के उन गरीबों के हित में जो सरकार की तरफ इस आशा से देखते हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें जीने का सहारा मिलेगा, उन सब के हित में वो ऐसा निर्णय लेंगे जो दूर तक देश को आगे लेकर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संभवतः इंडिया गठबंधन की बैठक जल्दी होगी और उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। गोपाल जी ने दो महत्वपूर्ण बात की। एक नेता उसमें है चंद्रबाबू नायडू जी, जिन्होंने 19 के पहले भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ अलग अलग दलों को लामबंद करने में भूमिका निभाई थी। दूसरे नेता है उसमें नीतीश कुमार जी, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को लामबंद करने में अपनी भूमिका निभाई थी एनडीए में जाने से पहले। तो बाकी प्रतीक्षा करते हैं।